हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। टुडे वी लर्न व्हाट इज आउटलेयर, व्हाई वी यूज आउटलेयर, हाउ टू डिटेक्ट आउटलेयर एंड हाउ टू रिजॉल्व आउटलेयर प्रॉब्लम्स। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द आउटलेयर प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकली। सो विदाउट लॉसिंग एनी टाइम वी स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आउटलेयर। व्हाट इज आउटलेयर? आउटलेयर आर डेटा पॉइंट that differ significantly from other observation in a data set. Outlier आपका एक तरह का डेटा बिंदु है जो डेटा सेट में अन्य किसी से भिन्न रहता है। जैसा कि आप इस जगह पर ही देख सकते हैं कि इस जगह आपको जो है यह आउटलेयर का प्रॉब्लम है। इस जगह पर ही आपको डेटा बिंदु दिख रहा होगा, यह इंडिकेट करता है कि इस क्वेश्चन में आउटलेयर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दे कैन अकर ड्यू टू वेरिएबिलिटी इन द डेटा। यह आपके डेटा में इस तरह से हो सकता है, मेजरमेंट इरर के कारण इसका इरर हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, एक्सपेरिमेंटली इरर, मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट के लिए इरर के हिसाब से आपका जो है आउटलेयर का प्रॉब्लम आ सकता है। आउटलेयर कैन हैव ए कंसिडर्ड इंपैक्ट ऑन स्टैटिकल एनालिसिस एंड कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आउटलेयर आपका जो है स्टैटिकल एनालिसिस पे भी असर करता है और आपके डेटा मॉडलिंग और हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी असर करता है, मतलब प्रभाव डालता है, इसमें आपको जो है प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसी कारण से हमें आउटलेयर को पता करना रहता है, उसे रिमूव करना रहता है। तो अब चलिए हम लोग पता करते हैं कि व्हाई वी यूज आउटलेयर, आउटलेयर का हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो आउटलेयर का हम लोग यूज करते हैं आइडेंटिफाइंग इरर, कि कहाँ पर क्या चीज का इरर है वह आउटलेयर हमें बताता है। तो सबसे पहला है, आउटलेयर कैन इंडिकेट डेटा एंट्री इरर, मेजरमेंट इरर और अदर इशू डेटा कलेक्शन। आउटलेयर हमें बताता है कि इंडिकेट करता है डेटा एंट्री में कोई इरर है तो बताएगा, मेजरमेंट में कोई इरर है तो बताएगा, या अदर और अगर बाहरी कहीं डेटा कलेक्शन से अगर इरर आ रहा है तो उसमें भी हमें बता देगा कि इस जगह पर ही इरर है, आउटलेयर है, या यह डेटा सेट में इतना वैल्यू को आपको रिमूव करना है। तो आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग दिस इरर कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द डेटा। इसे फाइंड करना, आइडेंटिफाई करना और करेक्टली इसको सॉल्व कर देना ही आपका जो है डेटा का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर देगा। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्केलिंग के तहत भी आउटलेयर का पता लगाया जा सकता है। आइडेंटिफाइंग आउटलेयर इज एसेंशियल, एंड आउटलेयर को पता करना बहुत ही जरूरी है, वो भी तब इन डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग में आपको आउटलेयर का पता होना जरूरी है। स्टेप लाइक नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग, तो अब नॉर्मलाइजेशन एंड स्केलिंग इंश्योरिंग डेटा दिस प्रोसेस आर नॉट अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रोप्रिएटली हैंडलिंग आउटलेयर, अगर आपने आउटलेयर को पता कर लिया और उसे आसानी तरीके से हैंडल कर लिया है तो एनालिस्ट कैन मेक मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा। तो एनालिस्ट को जो है बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलता है और वह जो है डेटा को बहुत ही आसानी तरीके से रीड भी कर सकता है, समझ सकता है। तो अब हमारा जो है अगला टॉपिक आता है, वह आता है हाउ टू डिटेक्ट आउटलेयर। आउटलेयर का प्रॉब्लम आप कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, तो यह देख सकते हैं, यह भी एक तरह का जो आउटलेयर का प्रॉब्लम ही है इस जगह पर पॉइंट पॉइंट। तो चलिए इसे हम डिफाइन में लिखे हैं, थोड़ा सा अभी चेक कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिखना है तो लिख लीजिए। डिटेक्टिंग आउटलेयर कैन बी डन, यह आउटलेयर तभी पॉसिबल है यूजिंग वेरियस स्टैटिकल एंड ग्राफिकल मेथड। यह जो आउटलेयर है आपको स्टैटिकल और ग्राफिकल मेथड में आसानी तरीका से जो है आप इसे पता कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डेटा, यह नेचर पे जो है नेचर ऑफ द डेटा पे डिपेंड करता है कि डेटा किस प्रकार का है एंड द कंटेक्स्ट ऑफ एनालिसिस, और आप किस तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं उस पर यह डिपेंड करता है। यूजिंग बॉक्स प्लॉट टू डिटेक्ट आउटलेयर, यह बॉक्स प्लॉट का एक थोड़ा जो है ग्राफ है, तो उसी टाइप में जो हम लोग जो है बॉक्स प्लॉट का जो है डिटेक्ट करेंगे और फिर जाकर उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो भी पता करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉक्स प्लॉट में ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, यह जो है बॉक्स प्लॉट में आपको डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पता चलेगा इंक्लूडिंग मीन, क्वार्टाइल एंड पोटेंशियल आउटलेयर्स। इसमें आपको क्वार्टाइल्स भी मिलेगा, मीडियन भी पता चल जाएगा और पोटेंशियल आउटलेयर्स भी पता चल जाएगा कि कौन सा एक्स्ट्रा आउटलेयर्स है। देख सकते हैं यह सब एक्स्ट्रा है तो इसे हमें रिमूव करना है। पॉइंट्स आउटसाइड द विस्कर ऑफ द बॉक्स प्लॉट आर कंसिडर्ड आउटलेयर्स, देख सकते हैं यह जो है इस पॉइंट को जो है विस्कर आप इसे बोल सकते हैं, कंसिडर्ड आउटलेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू सॉल्व
आउटलेयर प्रॉब्लम्स। अब आप आउटलेयर प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे, एक बार आपने पता कर लिया कि हाँ भाई इस जगह आउटलेयर है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। हैंडलिंग आउटलेयर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के तहत और डेटा साइंटिस्ट के तहत आउटलेयर को हैंडल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कैन बी अप्रोच इन सेवरल वे। और इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन बात वही है कि यह डिपेंड करता है कि आपके जो है डेटा का किस तरह का है प्रकार है और आप क्या चीज एनालाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिकल मेथड के जरिए जो है समझेंगे कि जो है आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। यूजिंग स्टैटिकल टेक्निक सच एज जेड स्कोर और आईक्यूआर मेथड टू आइडेंटिफाई आउटलेयर। आप स्टैटिकल टेक्निक का जो यूज करके, जिसमें स्टैटिकल टेक्निक में जेड स्कोर और आईक्यूआर मेथड का आप लोग यूज करके आसानी तरीका से आप इसे आउटलेयर पता कर सकते हैं। ठीक है, जेड स्कोर में क्या है, आउटलेयर्स कैन बी आइडेंटिफाई इफ दे लाई बियॉन्ड ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आउटलेयर एक तरह का जो है मतलब आइडेंटिफाई करता है कि अगर आपका जेड स्कोर का वैल्यू है कोई दो बीच में लाई कर रहा है, मतलब दोनों के बियॉन्ड है, जैसे कि जेड स्कोर ग्रेटर देन 3 है एंड लेस देन -3 है, तो इस टाइप में जो आप जो जेड स्कोर का पता कर सकते हैं। आईक्यूआर मेथड बहुत ही इजी मेथड होता है, यही मेथड को मैं अपने जुपिटर नोटबुक में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही आसानी तरीके से आप भी आईक्यूआर मेथड का यूज करके आउटलेयर रिमूव करना सीख जाएंगे। कैलकुलेट आईक्यूआर Q3 - Q1। आईक्यूआर को कैलकुलेट करने के लिए Q3 - Q1 किया जाता है एंड डिफाइन आउटलेयर एज वैल्यू बियॉन्ड Q1 - 1.5 डिवाइड QR। यह बियॉन्ड मतलब कि यह दोनों के बीच में आ सकता है इतना, या तो Q3 + 1.5 डिवाइड QR। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग मिलते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में। तो चलिए अब हम, तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लिया है। देख सकते हैं हमने जो है एक नया बनाया, हाउ टू डिटेक्ट आउटलेयर्स एंड सॉल्व। सबसे पहले तो आपको जो है इंपोर्ट करना है एक लाइब्रेरी, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। पांडा लाइब्रेरी इसलिए हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है डेटा फ्रेम तैयार करना रहेगा। उस डेटा सेट को जो है, एक डेटा सेट लेंगे, उसी डेटा सेट में हम आपको समझाएंगे। तो इसे मैं रन कर देता हूँ। तो यह रन होने के बाद अब हम लोग जो है डेटा सेट इम्पोर्ट करेंगे। तो रीड डेटा सेट, जो डेटा सेट हमारा है उसे हम रीड करवाएंगे। तो df इक्वल टू pd.read csv, फिर इनवर्टेड कॉमा के अंदर में हम लोग यूज करेंगे इरिश डेटा सेट में, आपको समझाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इरिश डेटा सेट आपको पता होगा कि जो है यह एक फ्लावर का जो है टाइप का जो है डेटा सेट है। इसमें तीन तरह का फ्लावर आता है, इरिस वर्सिकुलर, इरिस वर्जेनिका और इरिस सतोसा। ठीक है, हम लोग जो है df को जो है डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं इसमें इतना सारा डेटा सेट्स है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। यह जो है फ्लावर का जो क्लास का जो टाइप है यह इसके आधार पर हम लोग फाइंड करते हैं। तो जो है इसके लिए मैं अलग से जो है पूरा फुल प्रोजेक्ट बना चुका हूं। अगर आपको इस पे पूरा फुल प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं जो है अपना वो वाला वीडियो का पिन कर दूंगा जिसमें हमने इरिश डेटा सेट को बताया था। तो चलिए अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग का मेन फोकस केवल आउटलेयर को जो है पता करना है। तो इतना करने के बाद आपको सबसे पहले जो है आपको एक काम करना रहता है, सबसे पहले आपको सेपरेट करना है कैटेगरिकल कॉलम और कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल कॉलम को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आउटलेयर हमेशा न्यूमेरिकल कॉलम पे ही सॉल्व होता है, कैटेगरिकल कॉलम पे आउटलेयर आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यह आपका कैटेगरिकल कॉलम में आता है जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आएगा, यह सबका डेटा टाइप फ्लॉट आएगा। तो चलिए हम लोग जो है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कैटेगरिकल कॉलम को डिफाइन कर लेते हैं, कैटेगरिकल कॉलम इक्वल टू दिस, स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग जो है डिफाइन कर दिए हैं। फिर जाकर हम लोग चेक करेंगे फोर आई, एक नया आई वेरिएबल लेते हैं इन df डॉट कॉलम्स, df डॉट कॉलम्स का इसमें दरकार नहीं, हमारा d टाइप्स, df डॉट d टाइप्स, ठीक है फ्रेंड, डॉट इंडेक्स। ठीक है, हम लोग इंडेक्स इसका जो है चेक करेंगे, डेटा टाइप का जो इंडेक्स होता है, इफ df डॉट d टाइप्स, एक मिनट फ्रेंड, df
डॉट डी टाइप्स आई, फिर स्क्वायर ब्रैकेट हम बोल आई जो है ऊपर में डिफाइन किए हैं यह वाला आई, वो आई को इस जगह पर ही लिखेंगे, फिर इक्वल टू ऑब्जेक्ट। अगर यह ऑब्जेक्ट है, अगर इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या कर देना है, आपको कैटेगरी का कॉलम को अपेंड कर देना है। ठीक है, अपेंड करना फ्रेंड बहुत ही जरूरी है, डॉट अपेंड। ठीक है, अपेंड कर देंगे हम क्या, यह वाला आई को हम अपेंड कर देंगे। ठीक है, अब हमारा काम हो गया। अब हम जो है इस जगह पर ही जो है प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट प्रिंट कैटेगरी का कॉलम। ठीक है, इस जगह पर ही हम जो है लिख देते हैं कैटेगरिकल, एक मिनट बस के लिए इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए, इस जगह पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, कोड को रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं क्लास का जो है डेटा टाइप बस केवल आ रहा है, जो कि इसमें देख सकते हैं क्योंकि इसमें बस केवल एक ही डेटा टाइप है, वह क्लास है। चलिए अब जो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल कॉलम को भी एक सेपरेट कर लेते हैं। इस जगह पर ही हमें बस कुछ नहीं करना है, इस जगह हमें बस केवल न्यूमेरिकल लिख देना है, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कॉलम हो गया। बस हमें जो है क्या करना है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, इस जगह हमें पेस्ट कर देना है और इस जगह भी हमें पेस्ट कर देना, और यह नॉट इक्वल को हम लोग दे देंगे। अब तो यह तो जब डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब क्या है, इंटीजर बचा, तो वही वाला डेटा टाइप देख सकते हैं, इतना सारा डेटा टाइप आपका आ गया जो न्यूमेरिकल कॉलम में है। ये यह किसमें था, कैटेगरियल में, यह किसमें है, न्यूमेरिकल में। तो हम आपको न्यूमेरिकल का काम है, क्योंकि आउटलेयर जब भी फाइंड होता है ना, वह न्यूमेरिकल कॉलम पे ही आउटलेयर फाइंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस जगह लिखेंगे चेकिंग, सी एच ई सी के चेकिंग फॉर आउटलायर्स। ठीक है, अब हम लोग चेकिंग फॉर आउटलायर्स चेक करते हैं कि जो ये वाला क्वेश्चन में आउटलायर्स है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है plt dot figure fix size, या आपका एक एक करके नहीं, आप डायरेक्ट ही चेक कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंगल सिंगल भी कैसे, या जो मैंने अभी लिखा है, या मैंने डिफाइन किया है कि जो बॉक्स प्लॉट का साइज कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, फेस कलर इक्वल टू वाइट, डब्ल्यू एच आई टी, इसका जो है कलर वाइट होना चाहिए। ठीक है, अब प्लॉट नंबर हमें एक अलग से डिफाइन करना पड़ता है, यह बहुत ही जरूरी है प्लॉट नंबर। अब हम लोग अपना जो है अलग बनाएंगे, फोर कॉलम हम एक तो लेते हैं, ये ऐसी मैंने अब डिफाइन। अब इसमें न्यूमेरिकल कॉलम, यह जो कॉलम हमने लिखा है, यही कॉलम को हमें इस जगह लेना है, क्योंकि इसी में से हम लोग चेक करेंगे उसका न्यूमेरिकल कॉलम। इफ अब हमारा कितना है, टू थ्री फोर, फोर कॉलम है, फोर ही कॉलम है ना न्यूमेरिकल में, तो इसलिए हम लिखेंगे प्लॉट नंबर लेस देन इक्वल टू फोर। ठीक है, जितना कॉलम है उतना कॉलम लिख दिए। ठीक है, ए एक्स इक्वल टू पी एल टी डॉट सब प्लॉट। अब आपको इस जगह पर ये जो फोर लिखा है ना आपने, उसी का मल्टीपल लिखना है, जैसे टू कॉमा टू, टू मल्टीप्लाई टू फोर होता है, तो उस टाइप में लिखना है। ठीक है, आपको मल्टीपल ही लिखना है। अगर आपका मान लीजिए कि इस जगह एट कॉलम है, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस जगह 16 लिखिए और 4.4 लिख दीजिए, इसकी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्यादा भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको मल्टीपल पे लिखना है। कोशिश कीजिए मल्टीपल पे लिखिए, आपका सही आंसर आएगा। फिर हम लोग बॉक्स प्लॉट का जो यूज करेंगे, sns डॉट बॉक्स प्लॉट df कॉल कॉमा पैलेटी इक्वल टू। अब हम लोग जो है डेटा सेट को सेट करना है, सेट टू बार से, यह पैलिटी है, इसमें आपको जो है डालना ही, ऐड करना ही पड़ेगा plt डॉट x लेवल। ठीक है, x लेवल, अब जो इसके अंदर हम कॉल जो हम ऊपर में जो है कॉल लिखे थे, यह वाला जो है कॉलम का हम लोग इस जगह डिफाइन कर रहे हैं, कॉल साइज, उसका साइज कितना होना चाहिए, तो 15 उसका साइज होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग x लेवल को डिफाइन कर लिए, अब हम लोग y को डिफाइन करते हैं। अब इसके लिए हमें y टिक्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वाई टिक्स में हमें रोटेशन क्यों लिखना रहेगा, रोटेशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम लोग फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, क्योंकि हमें भाई उसका साइज भी तो लिखना है ना, तो इक्वल टू 10 हम लोग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको जो है वही प्लॉट नंबर लिख देना है, प्लॉट नंबर प्लस इक्वल टू 1, स्टार्टिंग से एक एक करके स्टार्टिंग होते रहेगा,
अब आपको क्या करना है ना, अब उसको शो करने के लिए इसमें आपको जो है शो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। इस जगह पूरा आ जाना plt डॉट टाइट लेआउट, फिर आपको इस तरह से जो है लेआउट करके इस जगह में आपको सॉल्व कर देना है। तो अभी आपका जो है मतलब देख सकते हैं कि plt डिफाइन नहीं हुआ है, मतलब कि आपको जो है मेटप्लॉटलिब का जो है उसे डिफाइन करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस जगह पर ही, अब हम लोग जो है जैसा कि इंपोर्ट पांडास एसपीडी था, अब हम लोग जो इसी में डिफाइन कर देते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एल टी। ठीक है फ्रेंड, इतना हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, इसे कोड को रन कर देते हैं। कोड रन हो गया है, अब हम लोग जो है इस जगह पर ही कोड को रन करते हैं। देख सकते हैं इसमें सीबोन, अरे फ्रेंड इसमें सॉरी फ्रेंड इसमें सीबोन का भी यूज है। तो हम लोग जो है सीबोन इंपोर्ट सीबोन एस एस एन एस, दो तीन लाइब्रेरी हमें जो है फर्स्ट में ही इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब जाकर अब हम लोग जो है चेक कर सकते हैं कि जो है इसमें क्या क्या है। देख सकते हैं अब हमारा जो है चार लाइब्रेरी इसमें आ चुका है। अब आप वह वाला डेटा सेट को गौर कीजिए और इसमें पता कीजिए कि कौन से कॉलम में आउटलेयर्स है। तो आप जो है देख सकते हैं सेपल लेंथ में कोई आउटलेयर नहीं दिख रहा, पेटल लेंथ में कोई आउटलेयर नहीं दिख रहा, सेपल विड्थ में कोई आउटलेयर नहीं दिख रहा, पेटल विड्थ में कोई भी आउटलेयर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग को पता चला कि सेपल विड्थ में बस केवल एक कॉलम में आउटलेयर है। चलिए अब हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो है यह वाला बताता हूँ कि जो है आप कैसे इसे जो है मतलब रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको IQR मेथड के जरिए हम लोग मर रहे हैं, तो IQR मेथड, ठीक है, इधर पर ही हम लिखकर इसे भी हेडिंग दे देते हैं। यह फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आराम से अच्छे तरीके से जो है इसे चेक कीजिए, आपका जो है आसानी तरीके से बन जाएगा। चलिए फिर जाके अब हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है कि कैलकुलेट करके IQR को रिमूव कर, कैलकुलेट IQR जिससे हमें आउटलेयर को रिमूव करने में आसानी होगी। तो चलिए अब इस जगह अच्छा से समझिए आप, Q1 इक्वल टू DF क्वार्टाइल 1 DF और आपका जो कॉलम में है तो आप वह कॉलम ले लीजिए सेपल वेट, ठीक है, डॉट क्वांटाइल, क्वांटाइल आप कितना है 0.25, ठीक है फ्रेंड 0.25 आपका क्वांटाइल है। फिर आपको जो हमने क्या बताया था Q3 इक्वल टू DF सेपल विड्थ, ठीक है, डॉट क्वांटाइल 0.75, ठीक है, दो दो चीज आपका जो है लाइब्रेरी आपने Q1 Q3 को डिफाइन कर दिया। अब जो आपको लोअर बाउंड में जो इसे दिखाना है अलग से, जो जो मैंने उस जगह पर ही आपको बताया था Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई IQR, ठीक है। अब फिर जाकर आपको क्या करना है, अपर बॉन्ड लेना है इक्वल टू Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई IQR, एक मिनट IQR, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो है और दो तीन को इसमें लिखना है, क्या लिखना है, अब हम लोग आउटलेयर चेक कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो है आउटलेयर इसको जो है स्टैटिकल मेथड में हम लोग आउटलेयर चेक कर लेते हैं। तो आउटलेयर इक्वल टू DF डॉट लॉक, मतलब कि जो लोकेशन वाला टाइप है, सबसे पहले आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में फिर जाकर पैरेंथेसिस ब्रैकेट यूज करके आपको जो है सेप्पल लिख लेना है, वही वाला सेप्पल विड्थ, कॉलम का नेम, ठीक है। फिर जाकर आपको जो है इस जगह पर ही ग्रेटर देन और लोअर बाउंड जो आपने लिखा था, यह लोअर बाउंड इस जगह पर ही जो आपने लोअर बाउंड लिखा है वो वाला लोअर बाउंड लिखेंगे। फिर हम लोग जो है यह वाला साइन देंगे, फिर जाकर हमें लिखना है DF सेप्पल लेंथ सेप्पल विड्थ, जो कॉलम में आपका आउटलेयर है वही कॉलम को लिखना है। यह हमारा क्या होना चाहिए, अपर बॉन्ड से बड़ा होना चाहिए, अपर बॉन्ड, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जो है इस जगह पर फिर लिखना है DF1 इक्वल टू
df.ilog, df.location, ठीक है, df sepal width, अब आपको greater than equal to lower bound, लोअर बॉन्ड, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब आपको एंड देना है, एक इस जगह कुछ तो मिस, इस जगह पर ही हमें जो है क्या देना था, पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट करना था और इस जगह पर ही उसे बंद कर देना है, फिर जाकर आपको एंड देना है, डीएफ के अंदर में आपको जो लिख देना है सिंपल विड्थ, ठीक है। ऐसे इतना आप जैसे ही लिखेंगे, फिर जाकर आपको लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, अब कर उस समय हमने ग्रेटर देन लिया था, तो अब हम लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड करेंगे, दोनों को आपस में मिला देते हैं, तब जाकर अब आपका जो है पूरे तरह से जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है प्रिंट करा देना है, प्रिंट df1, ठीक है, प्रिंट df1, df1 प्रिंट कराइए, करेंगे तो जो है देख सकते हैं कि जगह IQR is not defined लिखा है, ये जो हमने जो है interquartile IQR लिखा है, ये हमने define नहीं किया है। तो चलिए सबसे पहले हम जो इसे define कर देते हैं कि IQR है क्या। तो IQR equal to हमारा क्या था, ये हमारा Q3 minus Q1, ठीक है। इतना करने के बाद अब जो हम यह कोड को रन करते हैं, तो देख सकते हैं कि अब हमारा जो है कोड रन हो चुका है, बस इतना सारा आपको 4-5 एंट्री करना था, फिर जाकर आपका अब हमारा जो है कॉल रो कितना है देख सकते हैं 146, पहले कितना था 150, मतलब आप इससे यह समझ रहे हैं कि चार रो आपका डिलीट हो चुका है यह वाला से, क्योंकि उस रो में आउटलेयर प्रेजेंट था, ठीक है। अगर अब आप चेक करेंगे तो आपका आउटलेयर रिमूव हो गया होगा, ठीक है। चेक करने के लिए कुछ नहीं, आपको बस इसको कंट्रोल से कॉपी करना है, इसे पेस्ट कर देना है, बस केवल अब आपको df का जगह df1 लिख देना है, ठीक है। अब यह कोड को जो है रन करके देखते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि जो है टोटली सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल लेंथ पेटल विड्थ इतना आपका कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं कोई आउटलेयर नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, कि जो मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप यह वीडियो को एक दो बार रिवाच कीजिए, आपको पूरा आसानी तरीका से सब समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें एक एक टॉपिक कवर कर रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, पूरा आउटलेयर का पूरा डिफाइन कर दिया हूँ पूरा प्रोजेक्ट में, जो अब आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब जो है मतलब बिना किसी देरी के वीडियो किसी जगह स्टॉप करते हैं, मिलते हैं और एक नए फ्रेश वीडियो में जुपिटर नोटबुक में। तो चलिए अब हम लोग जो अपना जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेते हैं।